नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक, और आज हम लोग बात कर रहे हैं पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। पीटीएसडी एक हमेशा ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद इंसान की ज़िंदगी में होता है या आता है। जब हम लोग एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में बोले तो उसका मतलब ये होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटना हुई है जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी एकदम से इफ़ेक्ट हो गया है, बहुत फ़र्क पड़ा है उसकी ज़िंदगी पर। बहुत बार इंसान की पर्सनल ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, रेप हो सकता है, ऐसे या बच्चे की मौत हो सकती है, पति का मौत हो सकता है। ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी ज़िंदगी में है जिसके बाद वो वास्तव के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाती है या कर पाता है, और उसके बाद उनको पीटीएसडी हो जाता है। पीटीएसडी होने के लिए एक इंसिडेंट के बाद कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। उससे पहले अगर कोई लक्षण दिखाई दिया तो उसको हम लोग अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज जो होता है कि भूकंप हो गया या फ्लड हो गया, तो उसके बाद भी इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ट्रॉमा होता है और पीटीएसडी या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा आजकल जो मैन मेड डिज़ास्टर्स है, जैसे कि वॉर हो गया, युद्ध हो गया दो देशों के बीच, या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बहुत लोग मारे जाते हैं ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट में, बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तब भी जो बच जाते हैं उन लोगों में पीटीएसडी या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन बहुत कॉमन है। पीटीएसडी में या एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में जो 6 महीने से पहले हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, और 6 महीने के बाद हम लोग बोलते हैं पीटीएसडी। और दोनों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि नींद ठीक नहीं होता है, तो रात भर नाइटमेयर्स होता है या ऐसे सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने, जैसे कि वो सपने जो होते हैं उसका जो कंटेंट होता है वो उसी इंसिडेंट को लेके होता है। जैसे कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो सपने में वो फिर से देखती है कि उसके साथ फिर से रेप हुआ है, या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है तो सपने में ऐसा होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट दिखता है, फिर से बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, हो गया है, तो ऐसा होता है पीटीएसडी का लक्षण। इसके अलावा जो बोलते हैं हम लोग नाइटमेयर्स, इसके अलावा होता है हाइपर विजिलेंस, यानी कि ऐसा एक इंसान जिसको एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो गया है, पीटीएसडी हो गया है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, वो हमेशा बहुत अलर्ट रहता है, ये भी एक लक्षण है। और इसके अलावा रीलिविंग ऑफ द इंसिडेंट होता है, अर्थात इंसान बार बार वही घटना सोच सोच के या उसके दिमाग में बार बार वही घटना आता है और उसको लगता है वही घटना फिर से घट गया है। ऐसे लक्षण अगर है, इसके अलावा डरना, बार बार यही एंटिसिपेट करना, सोचना कि फिर से घटना घटने वाली है, एंजाइटी सिम्टम्स होना, ये सब पीटीएसडी और एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस के ही लक्षण है। अगर ऐसा कोई आपके आसपास है, आपको दिखा, तो उसको इमीडिएटली एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए, और वहाँ पे काउंसलिंग भी होता है, दवाइयाँ भी लिखी जाती है, तो नींद के लिए भी दवा ज़रूरी होता है, डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट ज़रूरी है। इसके अलावा काउंसलिंग में बहुत बार ऐसे इंसान को बोलने के लिए बोला जाता है कि आपके अंदर जो भी है वो आप एक्सप्रेस करो, बोलो, बताओ, ताकि आप हल्का महसूस करो। इसके अलावा दूसरे भी साइकोथेरेपी के टेक्निक्स है जो स्पेसिफिकली पीटीएसडी और एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन में यूज़ करते हैं हम लोग। और खुशखबरी ये है कि जो जिनको ट्रीटमेंट मिला है वो लोग बहुत जल्द ऐसे सिचुएशन से उभर के निकल आते हैं। और अगर ऐसा कोई भी मिला तो आप लोग इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए लेके आइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर से हम आपके पास उपस्थित होंगे एक नई विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्ते।